Меня зовут Акбобек, я из Казахстана. Я заболела вирусным гепатитом В, потом цирроз печени. Потом я обратилась в Кыргызстан к доктору Дильшату. Мне посоветовали, врач хороший. И Дильшат мне сказал, что надо трансплантацию печени делать. И советовал мне и в Индии делать операцию. И в Индии я прилетела, и меня там гид, вот переводчик, встретил Аджит. И там встретил, и в больницу привез меня, всем помогал мне операцию. Потом здесь хирург Бора. Намаскар, ये patient है, इनका नाम है अकबोबेक, ये कजाकिस्तान से हैं, इनको इन्होंने बताया है कि ये वहाँ पे जो है इनको हेपेटाइटिस बी हो गया था, वहाँ पे डॉक्टर ने इनको जो है सलाह दी कि वहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर दिलशोद जो है मेरे अच्छे जाने वाले हैं, उन्होंने बताया कि वो एक बार मुझसे मिलें और यहाँ पे आएँ और इंडिया में जो है अच्छा ट्रीटमेंट है लीवर का और उन्होंने इनको एडवाइस किया. फिर ये जो है इंडिया आए, हमने इनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनका जो है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला. अब इनको हेपेटाइटिस बी था, डॉक्टर ने जो है इनका ऑपरेशन किया, रोबोटिक डोनर का जो है रोबोटिक किया. पेशेंट बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छा अपने आप को फील कर रहे हैं. Операция прошла все отлично, мне помог Аджит во всем, там переводила, я язык не знаю здесь, везде помогал мне Аджит, тут хороший он. Потом 10 дней в реанимации лежала, все отлично, сейчас хорошо, уже месяц прошел, все прошло, лекарства пью, всем вот спасибо Аджиту, доктору Бора и Дильшату тоже спасибо. Все отлично. अकबोबेक सभी का धन्यवाद बोल रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी केयर की, डॉक्टरों ने और स्टाफ ने सब ने जो है, और पेशेंट जो है 10 दिन तक आफ्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद अब भी अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रही है. वो कह रही हैं डॉक्टर बोरा का बहुत बहुत धन्यवाद और मिस्टर अजीत का.